आज का टॉप डिफेंस अपडेट। म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड 1000 पाउंड के थर्मोबेरिक बॉम्ब को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए रेडी हो रही है। यह कदम 2023 के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को 500 यूनिट की सक्सेसफुल इनिशियल डिलीवरी के बाद आया है। थर्मोबेरिक बॉम्ब एक पावरफुल वेपन है जो फ्लेमेबल लिक्विड का एक बादल छोड़ता है जो हवा के बीच में फट जाता है, जिससे काफी ज्यादा हीट पैदा होती है। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने घोषणा किया है कि वे 2028 तक एक फुल स्केल इंडिजिनियस कन्वेंशनल सबमरीन डेवलप करेगा। नई सबमरीन का वेट 3000 टन होगी और इसमें कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और ये जो नई सबमरीन होगी वह P-76 से काफी ज्यादा सिमिलर होगी। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्हानिया की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए ईरान पहुंचे और मंगलवार को भारत में रईसी के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लीड करने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने क्लियर किया है कि इनिशियल डिजाइन सिंगल पायलट कॉन्फ़िगरेशन को प्रायोरिटीज देगा क्योंकि ट्विन सीटर वेरिएंट इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इंडियन एयरफोर्स रिक्वेस्ट करती है तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक ट्विन सीटर तेजस मार्क 2 डेवलप करने के लिए रेडी है। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर एन दिनेश आनंद को डार्टमाउथ में प्रेस्टिजियस ब्रिटेनियन रॉयल नेवी कॉलेज में एक डिविजनल ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है कि जब कोई इंडियन इंस्ट्रक्टर यूके नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हुआ है। ग्लोबल फोरम में पहली बार पाकिस्तान के परमानेंट अम्बेसडर मुनीर अकरम ने यह स्वीकार किया है कि नया भारत एक खतरनाक एंटिटी है। नया भारत आपके घर में आता है और आपको मारता है। इस बयान में अकरम ने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान में टारगेटेड हत्याएं की है और यह केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। इंडियन नेवी हमेशा से अपनी वॉरशिप इंजन के लिए फॉरेन सप्लायर पर निर्भर रही है, लेकिन अब आत्मनिर्भरता की दिशा में अपना स्वदेशी मरीन इंजन की एक श्रृंखला विकसित करने वाली है जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सशक्त बनाया जा सके और बाहरी देशों पर निर्भरता कम हो सके। वर्तमान में यूक्रेन यूएस यूके से डीजल इंजन और गैस टरबाइन खरीदती है। इंडियन एयरफोर्स की MRFI टेंडर को हासिल करने के लिए बोइंग दोहरी रणनीति अपना रहा है। बोइंग ने न केवल अपने टॉप क्लास के F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट के अत्याधुनिक वेपन सिस्टम की ऑफर की है बल्कि इंडियन मेड वेपन को भी शामिल करने के लिए रेडी हो गई है, जैसे की BBRAM SAAW और NASAMR को शामिल करने के लिए रेडी हुई है। इस ऑफर से हो सकता है कि बोइंग को MRFI टेंडर में फायदा होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।